भूखे वगैरह से नहीं नहीं अरे चलो जी चलो समझो ए चलो हट ऐसे जी भैया अरे देख के वहाँ पैर की चिंता लगेगा भाई चक्कर खराब की चक्कर इधर आ जाओ उन्नत चलो चलो शुक्रिया हमारे एसएमपी साहब यहाँ विजिट लाए उनका मैं दिल की गहराई से वेलकम करता हूँ और यही चाहता हूँ कि शहर में अमन रहे शहर में तरक्की करे हमको और हैदराबाद के आवाम को अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारने के मौके फराहम करने के लिए मजलिस का ताउन हमेशा रहा है असद भाई का ताउन रहा है और अमीन जिनकर अभी आपसे पहले कहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और तेलंगाना राष्ट्र समिति की दोनों पार्टियां मिलकर हैदराबाद के लिए काफी सहूलत होगी और आप सब लोग जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद ट्रैफिक में सहूलत पैदा करने के लिए सारे हैदराबाद में नए नए ब्रिजेस बनाए गए उसके साथ साथ पुराने शहर में भी मैं समझता हूँ पुराना शहर नहीं है ऐसी यही सबसे अहम शहर है क्योंकि यहाँ पर चांदर है ये ओल्ड सिटी नहीं जबकि गोल्ड सिटी है हम उसी तरह याद करते हैं तेलंगाना मूवमेंट में भी हम ओल्ड सिटी को हमेशा गोल्ड सिटी कहा करते थे और गोल्ड सिटी की तरह ये शहर अमन अमान का एक हमारा है इसके लिए हमारे आदिवासी हम साहब ने शहर की तरक्की के लिए आवाम की सहूलत के लिए कई ब्रिजेस हैदराबाद में डाले गए हैं और खासतौर से पुराने शहर में भी टोटल इस ब्रिजेस के लिए जो टोटल हैदराबाद नया शहर और पुराने शहर के अंदर सीएम साहब ने 8,052 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं जिस जो SRDP फंड से जारी होते हैं जिसमें 31 ब्रिजेस बनाए गए और खासतौर से पुराने शहर में भी बहादुरपुरा ब्रिज अवेसी जंक्शन ब्रिज चंद्रगुटा ब्रिज जो साबिरगढ़ में बन चुका है और एक्सटेंशन हुआ है और इसमें आरामगढ़ और नलगुंडा ब्रिज बनने वाला है वो भी बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा हम यही चाहते हैं कि खासतौर से तेलंगाना स्टेट चल रहा